लोग आ जाएं। जाओ 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 सामने आ जाएं कभी तो। ठीक है बिल्कुल, सभी लोग यहाँ पे आ जाएं। मेरे सभी से अभिनंदन है, सभी यहाँ पे आ जाएं। हनी भाई, शुभम, सौरभ सर, सभी यहाँ पे आ जाएं। एकत्रित हो जाएं यहाँ पे आगे। Ready? जा रहे तुम लोग? बहुत अच्छी फाइट है इसके बाद, सच में यार। कल कल मैं खिलाऊंगा। आज के इस बहुत अच्छे खेल की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम के सारे जितने भी हमारे आयोजक मंडल के सदस्य हैं, सबसे पहले उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारे फर्रुखाबाद में उन्होंने एक जो हमारा परंपरागत रेसलिंग कुश्ती का खेल है उसको बढ़ावा देने के लिए इतना अच्छा काम किया। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी युवा साथी, सभी हमारे छोटे भाई और जो भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक मित्र की भावना से इस पूरी फाइट में पार्टिसिपेशन किया। और आप ही में से हमारे देश के लिए कभी ना कभी कोई ओलंपिक में भी जीत के आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही हीरे में से कोहिनूर ऊपर निकल कर आते हैं। आप सभी हम सबका भविष्य है, इस फर्रुखाबाद का भविष्य है, देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। तो कुछ हम आपसे व्यक्तिगत टॉक्स करना चाहते हैं, आपसे कुछ अपने अनुभव बताना चाहते हैं। देखिए आप लोग अति उत्साही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर अपार ऊर्जा है, क्योंकि आज का युवा दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहता है, उससे आप निकल कर यहाँ पर रेसलिंग जैसा एक पावर गेम खेल रहे हैं, ये बताता है कि आपके अंदर अपार ऊर्जा है। सभी के अंदर, जितने लोगों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट करा। जीवन में क्या होता है कि ऊर्जा का ऊर्जा किस तरफ लगा रहे हो, आपका जो आपके अंदर जो एनर्जी है वो किस तरफ जा रही है, यही एनर्जी की दिशा को तय करता है कि जो आपकी ऊर्जा सही तरफ जा रही है वो ऊर्जा आपके परिवार, आपके घर, आपके समाज, आपके देश के काम में आएगी। और जब ऊर्जा भटक जाती है, गलत तरफ चली जाती है, तो वही ऊर्जा नुकसानदायक होती है। तो आप सभी लोग, अभी सभी की पढ़ाई की एज है, अभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का मेरे ख्याल से चल रहा होगा या बाकी होगा। आप सबको ये याद रखना है कि आप कई लोगों की उम्मीद हैं। आप सबसे पहले अपने माँ बाप की उम्मीद है, अपने भाई बहन की उम्मीद है, अपने परिवार की उम्मीद है। जब आप अच्छे से पढ़ लिख के एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छी जॉब या एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट के साथ खुद को एस्टेब्लिश करेंगे, तब आप अपना पहला दायित्व पूरा करेंगे अपने परिवार और अपने माँ बाप का। सहमत है आप? Yes. और इसके बाद जब आप इस लेवल को पार कर लेंगे, फिर आप उम्मीद होंगे उन लोगों की जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, यानी मोहल्ला, समाज और शहर। तो आप लोग सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहिए कि हमको पढ़ाई में भी अव्वल रहना है, स्पोर्ट्स में भी अव्वल रहना है और एक मल्टीटास्किंग एक पर्सनालिटी बनना है।
कि हम लोग खेल में भी अच्छे, पढ़ाई में भी अच्छे, कैरियर में भी अच्छे, शहर के लिए भी अच्छे, सोशल भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। तो ये अपने अंदर आपको एक ऐसा यूथ डेवलप करना है, ऐसे ही युवा जब आप लोग तैयार होंगे तभी हमारा जो भारतवर्ष है, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो बहुत शक्तिशाली था, तभी हमारा देश बहुत शक्तिशाली होगा। और आप ध्यान रखिए, जब आप खेलते समय अग्रेसिव हो जाते हैं, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, तो ऐसे खेल में आप हमेशा के लिए इन्वॉल्व हैं, आगे आप और बड़े मंचों पर जाएंगे, पहुंचेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये लड़ाई का मैदान नहीं है, ये खेल का मैदान है। कभी भी अपने साथ जो भी खेल रहा है इतना अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि उसको आउट ऑफ वे जाकर चोट पहुंचाने की भी कोशिश करें। जैसा कि होने लगता है कि मानव स्वभाव, जो अच्छा खिलाड़ी होगा उसके अंदर ये भावना धीरे धीरे करके अपने आप पनपने लगेगी। तो हमेशा पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, इन सब के लिए अच्छा भाव लेकर चलिए। और कभी आपको, आप सब मेरे छोटे भाई हैं, आपको कभी मेरे किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़े, मैं सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करने के लिए तत्पर रहूँगा। आप सभी जो ऑर्गेनाइज़र हैं, आप सभी के लिए एक छोटी सी पार्टी के लिए एक हम छोटा सा आपके लिए सहयोग करके जा रहे हैं 2100 रुपये का। आप लोग उससे जो भी खीर है, दूध है, जो भी आप खाना चाहें अच्छा, वो आप अपना पार्टी आज हमारी तरफ से सेलिब्रेट करें अपने बड़े भाई की तरफ से। ये हमारा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है और आपकी इस जो मैत्री भाव है इससे हमें बहुत प्रसन्नता मिली। अपनी इस दोस्ती को सदैव आपस में ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सौरभ तुम जाओ। बैग माला। थैंक यू सर।